हेलो नमस्कार दोस्तों, कृषि जगत टेक्नोलॉजी पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि नींबू की ब्रांच जमीन पर कैसे लगाएं। आप देख सकते हैं हमने एक नींबू की ब्रांच ली है, जो हमारे पास एक अच्छा नींबू है। आप देख सकते हैं इस नींबू की हमने ब्रांच ली है, 2 फीट की ब्रांच हमने ली है। आप इसे छोटी भी ले सकते हैं। हमने नीचे इसके तिरछा कट लगाया है और तिरछा कट लगाने के बाद इसमें पाउडर लगाया है। ये पाउडर है फास्ट रूट्स, यानी रूट ग्रोथ पाउडर हमने इसमें लगा दिया है। अगर आपके पास रूट ग्रोथ पाउडर नहीं है तो अलवेरा का यूज इसमें कर सकते हैं। इसके नीचे इस प्रकार से जमीन पर लगा देंगे। पानी इतना डालना है कि नीचे ब्रांच की जो हमने कट लगाया था वहां तक पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से आप कोई भी जमीन पर रोप करके कोई बर्तन को इस प्रकार से लगाना है, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं। ये देखिए 90 दिन तक इस ब्रांच को कहीं से भी हिलाना नहीं है, जैसे यहाँ पर है वैसे ही रखना है। अगर आप 90 दिन से पहले इसको ब्रांच को हिला देंगे तो आपकी ब्रांच अंकुरित नहीं होगी, यानी इसका फुटाव नहीं आएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 90 दिन तक इस ब्रांच को कहीं भी नहीं हिलाना है। इस प्रकार से आप किसी भी पौधे की ब्रांच को लगा सकते हैं और नया पौधा तैयार कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।